हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग मिक्सर एलिगेशन के रिप्लेसमेंट वाले सवालों को करेंगे। प्रतिस्थापन, अगर हम लोग बात करें हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन वाले सवालों को करेंगे। जैसे कई बार एग्जाम में हमारे सवाल आता है कि अगर हमारे पास में एक मिश्रण है, दूध और पानी का है, मिश्रण की कुछ मात्रा निकालते हैं पानी मिला देते हैं, या मिश्रण की कुछ मात्रा निकालते हैं दूध मिला देते हैं, या मिश्रण की कुछ मात्रा को दूध से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, या मिश्रण की कुछ मात्रा को पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, उसके बाद सवालों में वैल्यूज आपसे पूछी रहती हैं। तो ऐसे सवालों को करने के लिए आपके दिमाग में सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, अगर वो आपके दिमाग में बना रहेगा तो आप कभी भी सवाल गलत नहीं करोगे, आपका सवाल हमेशा सही होगा। तो चलिए सबसे पहले उसी पॉइंट को सीख लेते हैं जिसकी वजह से हमको सबसे ज्यादा दिक्कत होती। बहुत छोटा सा पॉइंट है, देखने में ऐसा लगता है कि अरे ये सर तो नॉर्मल सी बात है, हमको मालूम है, लेकिन जब उसको सवाल में लगाते हैं तो समझ में नहीं आता, अरे सर ये कैसे हो गया। तो चलो समझ लेते हैं उस बात को। एक सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बोला कि हमारे पास में एक 100 लीटर का मिश्रण है, 100 लीटर टोटल है। इसमें अगर मैं बात करूं तो 60 लीटर हमारा मिल्क है, मतलब दूध है, और 40 लीटर हमारा पानी है, यह हमें पहले से मालूम है। ठीक, कोई दिक्कत? ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है। अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ, जब हम लोग दूध और पानी को मिक्स कर देते हैं, दूध और पानी को हम लोगों ने मिक्स कर दिया, जैसे घर में आपके दूध और पानी का मिक्सर रहता है ना, भाई दूध वाले के पास जाओ तो प्योर दूध तो देता नहीं, पानी मिला के देता है। आप घर पे आते हो तो आप मेरे को एक बात बताओ कि आपके पास में कोई तरीका रहता है जिससे आप पानी को अलग कर लो, दूध को अलग कर लो? नहीं कर पाते हो ना, मिक्स रहता है ना। अब जैसे मान लो आपने वहां से 2 लीटर पानी लिया, या सॉरी 2 लीटर दूध लिया, पानी इसलिए निकल रहा है क्योंकि पानी ही मिलता है तो पानी ही निकलेगा। मान लो आपने 2 लीटर दूध लिया, उसने उसमें कुछ पानी मिला के रखा हुआ है, अब आप 2 लीटर दूध लेकर आए, ये है आपके पास में 2 लीटर, तो हम क्या कहेंगे, भाई इसमें पानी मिला के रखा है तो ये दूध कैसा है? पतला है। भाई भाषा में जनरल आम बोलचाल की भाषा में बोलेंगे तो दूध कैसा? पतला, पानी मिला के रखा है। अच्छा मान लो इसमें से मैंने 1 गिलास निकाल लिया, तो आप मेरे को एक बात ये बताओ कि ये क्या हो जाएगा, ज्यादा पतला हो जाएगा कि गाढ़ा हो जाएगा कि उतना ही पतला रहेगा? भाई जितना दूध यहां पे पतला रहता है ना, तो अगर हम 1 गिलास निकालते हैं तो उतना ही पतला दूध यहां पे भी रहता है ना, ये ज्यादा गाढ़ा होता है ना ये कम पतला होता है। भाई ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ना कि भाई दूध और पानी जिस रेशियो में मिक्स हो गए हैं, मान लो अगर यहां पे कोई रेशियो एक्स और वाई मिक्स हो गया है, तो जिस रेशियो में मिक्स हो गए हैं ये रेशियो बदलता ही नहीं है, यहां पे भी यही रेशियो रहेगा, जो रेशियो पूरे में रहता है वही रेशियो यहां पे रहता है, इसीलिए ये ना पतला हो पाता है ना ये गाढ़ा हो पाता है। देखो ये हमारे डेली की लाइफ में होता है, और बस यही कॉन्सेप्ट को जब हमारे सवालों में लगाना होता है तो हम लगा नहीं पाते। अब देखो मैं इसको एग्जांपल के थ्रू में भी प्रूफ करूंगा कि ये बात सही है। जैसे अब मैंने बोला कि अब मैं इसका आधा, हाफ, ये जैसे अगर हमारा 100 लीटर है तो मैंने बोला 50 लीटर मैंने निकाल लिया, अभी हमारा कितना है 50 लीटर, मैंने इसको प्रॉपर मिक्स कर दिया, दूध और पानी को मिला दिया और 50 लीटर मैंने इसका निकाल लिया। अब बताओ मेरे को 50 लीटर में कितना दूध और कितना पानी होगा? आपने बोला सर जी मैंने आधा निकाल लिया, मैंने क्या कर दिया, आधा निकाल लिया, तो भाई इसमें जो भी है सब बराबर रेशियो में मिक्स है, बराबर बराबर चीजें हैं, तो भाई जितना दूध होगा उसका आधा दूध निकल जाएगा और जितना पानी होगा उसका आधा पानी निकल जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे तो हमारा दूध कितना था 60, आधा निकल जाएगा कितना बचेगा 30, पानी हमारा कितना था 40, आधा निकल जाएगा कितना बचेगा 20, मतलब निकल गया तो यहां पे ही आ गया। और अगर मैं बचा हुआ पूछूं, बचा हुआ, तो बचा हुआ भी कितना होगा 50 लीटर और उसमें भी दूध कितना होगा 30 लीटर और पानी कितना होगा 20 लीटर। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, हमारे पास में 3 चीजें हो गई, एक तो हमारा आरंभिक मिश्रण, एक जो हमने निकाला हुआ है वो वाला मिश्रण, एक जो हमारा बचा हुआ है वो वाला मिश्रण। अगर मैं रेशियो की बात करूं दूध और पानी की, तो आप देखोगे यहां पे काटोगे तो कितना आएगा, दूध और पानी का अनुपात 3:2, यहां पर अगर आप काटोगे तो भी कितना अनुपात आएगा 3:2, यहां पर भी कितना अनुपात आएगा 3:2 आएगा। अगर मान लो हमारे पास में कोई मिश्रण है, अगर उसमें से हम कुछ भी मात्रा निकालते हैं तो जो निकालेंगे उसमें भी वही रेशियो रहेगा, भाई क्वांटिटी बदल जाएगी ओवरऑल, भाई ये 100 लीटर था ये 50 लीटर है, क्वांटिटी बदल गई, मात्रा आपकी बदल गई, लेकिन उसमें जो दूध और पानी का अनुपात है वो आपका हमेशा समान रहेगा, इसमें भी वही रहेगा इसमें भी वही रहेगा। और जो बचा है भाई ये भी बदल गया, क्वांटिटी ओवरऑल क्वांटिटी बदल गई, जैसे हमने क्या बताया 2 लीटर में से 1 गिलास निकालेंगे तो भाई 2 लीटर था 1 गिलास निकाल लिया तो 1 गिलास बचा, 2 लीटर में 1 गिलास कम बचेगा, क्वांटिटी बदल गई। लेकिन अगर अनुपात की बात करें तो भाई पतलापन उतना ही पतला,
दो लीटर में था उतना ही पतला एक गिलास में रहेगा और उतना ही पतला बाद में भी बचा रहेगा। तो अनुपात कभी बदलता नहीं, आपको इसको हमेशा याद रखना है कि अनुपात नहीं बदलता। अच्छा, अगर अनुपात नहीं बदलेगा तो भाई परसेंटेज भी नहीं बदलेगा। अगर मैं बोलूं 3 और 2 टोटल कितना हो गया 5, तो यहां पे दूध कितना है 60%, 3 और 2 5 यहां पे दूध कितना है 60%, 3 और 2 5 यहां पे भी दूध कितना है 60% है। तो ना तो अनुपात बदलता है ना तो प्रतिशत मात्रा बदलता, ये हमेशा क्या रहता है आपका समान रहता है। कब, जब हम कोई लोग किसी मिश्रण में से कुछ समान निकाल लेते हैं। अभी हमने कुछ मिलाया नहीं है इसमें, हमने क्या किया सिर्फ निकाला है। जब हम मिलाएंगे तो बदल सकता है। मान लो भाई हम अगर हम इसमें पानी मिला दें, खाली पानी मिला दें, तो भाई पानी की मात्रा बढ़ जाएगी तो पानी की प्रतिशत मात्रा भी बढ़ जाएगी। अगर जब तक हम कुछ मिला नहीं रहे, हम सिर्फ निकाल रहे हैं, उसी मिश्रण के अलग अलग पार्ट कर रहे हैं, अलग अलग टुकड़े कर रहे हैं, चाहे जितने टुकड़े कर दे, इसके 10 टुकड़े कर दे, 50 टुकड़े कर दे, 100 टुकड़े कर दे, सब में रेशियो क्या रहेगा समान रहेगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इन्हीं चीजों का यूज, इसी का जो एप्लीकेशन है, वो दिक्कत होता है सवालों में करने के लिए, क्योंकि आप ये अलग से समझते नहीं हो और जब सवाल में आता है तो दिक्कत होती है। तो चलिए सवाल में देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। एक एग्जांपल लेता हूं, आपको ध्यान से समझना है। कह रहे हैं जैसे 20 लीटर के एक मिश्रण में दूध और जल 5:3 के अनुपात में है। अगर प्रस्तुत मिश्रण के 4 लीटर दूध से प्रतिस्थापित किया जाता है। अब प्रतिस्थापित का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हमारे पास में स्टार्ट में कोई क्वांटिटी है तो इसका एक भाग निकाल लेते हैं, जैसे ये भाग है, ये भाग हमने निकाल लिया, लेकिन इस भाग के बराबर एक दूसरा भाग लाके वापस यहीं पर डाल देंगे। भाई ये निकाल लिया, लेकिन इसी तरीके का एक दूसरा भाग जो रहेगा वो यहां पे लाके वापस डाल देंगे। 4 लीटर निकाला तो 4 लीटर डाल देंगे। प्रतिस्थापित करने का मतलब है कि जितना निकालेंगे उतना डाल देंगे। कई बार अलग क्वांटिटी निकालते हैं, अलग क्वांटिटी डालते हैं, तो वो सवाल में बोलता है, लेकिन अगर कभी भी बोला जाए प्रतिस्थापित, तो अगर ए लीटर निकाला है तो क्या करेंगे, ए लीटर डाल देंगे। निकालेंगे मिश्रण, निकालेंगे क्या मिक्सर, और डालेंगे क्या जो सवाल में बोला जाएगा। सवाल में बोला जाएगा दूध डाल दिया तो दूध डाल दिया, पानी बोल दिया जाएगा तो पानी डाल दिया। तो यहां पे यही बोला जा रहा है कि भाई अगर 20 लीटर था और 4 लीटर को प्रतिस्थापित किया, तो भाई 20 लीटर था, 4 लीटर निकाल लिया, 4 लीटर निकाल लिया, तो अभी हम प्रतिस्थापित नहीं कर रहे हैं। अभी हम ये जो 4 लीटर दूध हुआ है मिलाना है, ये अभी हमने मिलाया नहीं है, हम पहले 4 निकालेंगे। भाई जैसे अगर आपके पास में मिश्रण है तो आप क्या करोगे, ऐसा तो करोगे नहीं कि ऑटोमेटिक दूसरा वाला डाला और पहला वाला निकल गया। भाई पहले आप 4 निकालोगे फिर आप 4 डालोगे। अगर आपने पहले 4 डाल लिया और फिर 4 निकाले तो सब गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो अलग तरीके से कैलकुलेशन। प्रतिस्थापन का मतलब है कि पहले निकालेंगे बाद में डालेंगे, पहले निकालेंगे बाद में डालेंगे। अब देखो हमारे पास में 20 लीटर था, अगर हमने 4 लीटर निकाल लिया तो कितना बचेगा 16 लीटर। अगर 20 लीटर में अनुपात की बात करेंगे तो कितना था 5:3। मैंने क्या बोला भाई निकाल लो क्वांटिटी, लेकिन आपके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यहां पर भी क्या अनुपात रहेगा 5:3 रहेगा। अब देखो अगर ये 5:3, 5×3 8, 8 का मतलब कितना हो गया 16, अगर किसका गुणा हो रहा है 2 का, तो यहां पे भी 2 का गुणा हो गया, ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 6। अब हमें क्या करना है, 4 लीटर निकाला था 4 लीटर और डालना है, लेकिन डालना क्या है दूध डालना है, दूध से प्रतिस्थापन करना है। तो अगर हम 4 लीटर दूध डालेंगे तो दूध हमारा बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 14, और पानी हमारा क्या है उतना ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हमसे क्या कह रहा है कि भाई नया अनुपात बताना, अगर अनुपात की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 7:3। बोलो बात समझ में आ गई, आसान सा सवाल था, उम्मीद है कि आसानी से आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो और सवाल लेते हैं, एग्जाम में और बढ़िया बढ़िया सवाल आते हैं, जैसे ये सवाल है आपके, देखो कैसे करेंगे इसको। कह रहा है एक पात्र में 2 द्रवों ए और बी का मिश्रण 7:5 में है। कह रहा है ए और बी का जो मिश्रण है वो किस अनुपात में है, 7:5 में है। जब इसमें 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और पात्र को बी से भर दिया जाता है, तब ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाता है। क्या कह रहा है कि इसका कुछ क्वांटिटी था, हमें मालूम नहीं है कितना क्वांटिटी था, दिया है कहीं पर नहीं दिया, कुछ क्वांटिटी था, मैंने लिख लिया है आपको समझाने के लिए क्यों है। कह रहा है कितना प्रतिस्थापन कर रहे हैं, 9 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं और पात्र को बी से भर दे रहे हैं। पहले भी हमारा देखो क्या है, पात्र भरा है और बाद में भी क्या है भर दिया जाता है, मतलब जितना निकालेंगे उतना ही डाल देंगे। भाई पहले भी भरा है और बाद में भी भर जा रहा है, तो जितना निकाल लें उतना ही डाल लें। 9 लीटर निकालेंगे तो डालना कितना पड़ेगा, 9 ही लीटर डालना पड़ेगा। यहां पे लिखा नहीं कि बी को कितना डालना है, लेकिन समझना है पहले भी भरा था अभी भी भरा है, तो भाई जितना निकाल लें उतना ही डालना है, 9 निकाला है तो 9 ही क्या करेंगे डालेंगे। अब अगर मान लो पहले हमारे पास में मिश्रण इतना था, अगर 9 निकाल लिया तो बचेगा कितना, इतना बच जाएगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जो अनुपात इसमें रहेगा वही अनुपात इसमें भी रहेगा। पूरे मिश्रण में अगर 7:5 है तो निकालने के बाद भी हमारा अनुपात क्या रहेगा, 7:5 का रहेगा।
अब हमें क्या करना है, ये तो निकालने वाला हो गया, अब 9 लीटर निकाल दिया, वो जो निकाल दिया उसे हमें कोई लेना देना नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं कि 9 लीटर बी डालेंगे इसमें, क्या करेंगे 9 लीटर बी डालेंगे। तो कह रहा है इसको डालने के बाद हमारा अनुपात क्या हो जाता है, 7:9 हो जाता है। अच्छा देखो, अब हमारे पास में ये बची हुई क्वांटिटी है भाई, क्या है बची हुई क्वांटिटी है, इसमें अनुपात कितना है, 7:5। अब हमें कह रहा है कि इसमें हम क्या डाल रहे हैं, बी डाल रहे हैं। अगर हम बी डाल रहे हैं तो बताओ मेरे को ए में कोई परिवर्तन आएगा, नहीं आएगा भाई। मेरे पास में 16 लीटर है, 8 लीटर दूध है, 8 लीटर पानी है। अगर मैं 2 लीटर पानी में डालूंगा तो भाई दूध में परिवर्तन आएगा, नहीं आएगा, सिर्फ बी में परिवर्तन आएगा। तो देखो यहां पे ए में कोई परिवर्तन आ रहा है, नहीं आ रहा है भाई, हमारे हिसाब से भी वही बोल रहा है, सवाल के हिसाब से भी बोल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बी में परिवर्तन आ रहा है, हमारे हिसाब से भी आ रहा है, सवाल के हिसाब से, हमारे हिसाब से कितना आ रहा है, 4। सवाल के हिसाब से कितना परिवर्तन होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अगर हम बात करें हमें क्या निकालना है, आरंभ में टोटल कितनी मात्रा है कुल, यही तो निकालना है। पात्र में द्रव ए का कितना लीटर प्रारंभ में भरा हुआ था, हमें ए की मात्रा निकालनी है। तो हमें रेशियो तो पहले मालूम है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल। अगर टोटल मालूम चल जाए तो रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अब देखो अगर मैं यहां पर बात करूं निकालने के बाद, 9 लीटर निकालने के बाद ही अनुपात है और उसी के बाद हम इसको मैच करा रहे हैं, तो यहां पर अगर हम देखें तो टोटल कितना है, 12। 12 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 4 का मान 9 के बराबर है, तो कितना गुना कर रहे हैं, 3 का, इसको भी 3 गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कहने का मतलब 9 लीटर निकालने के बाद में हमारे पास में कितनी मात्रा बची, 27। कहने का मतलब यह हो जाएगा कि अब जो हमारे पास में आरंभ में मात्रा थी वो कितनी थी, ये तो 9 लीटर निकालने के बाद है ना, तो इसमें 9 लीटर और जोड़ दो, 27 और 9 कितना हो जाएगा, 36। आरंभ में हमारे पास में कितनी मात्रा थी, 36, और इसमें अगर ए और बी की बात करें तो किस अनुपात में, 7:5। अगर ए 7 है तो बी 5 है, टोटल कितना हो गया, 12। ये किसका मान है, 12 का मान, किसका मान निकालना है, 7 का मान, तो 7/12, 12 3 36 और 7 21 लीटर है। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी, अगर बात नहीं समझ में आई है तो आप एक बार इसको अपने से फिर से बनाना और फिर से वीडियो देखना। अगर जब तक आपको ये बात समझ में ना आ जाए तब तक आप इस वीडियो को देखते रहना, आगे अगले सवाल पर नहीं बढ़ना है, ठीक है, इसको 2-3 बार देखना और फिर आगे बढ़ना, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है एक बर्तन एक द्रव से भरा है जिसमें 5 अंश दूध है और 3 अंश क्या है हमारा, पानी भरा हुआ है। कह रहा है इसमें कितना मिश्रण हटा लिया जाए और उतना ही पानी मिला दिया जाए। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसमें सबसे ज्यादा लोग परेशान होते हैं। आप ऐसे मान के चलो कि अगर 100 लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये लोग 10 से 15 लोग ही सवाल का आंसर कर पाते हैं, बाकी लोग को ये समझ में नहीं आता कि करना कैसे। बहुत ही आसान सा तरीका है, जो मैंने आपको कौन से बताया वही यहां पे भी लगेगा। भाई मान लेते हैं हमारे पास में कुछ मात्रा थी, ठीक, इसमें हमारा दूध पानी और दूध का अनुपात कितना था, 5 अंश दूध था और 3 अंश पानी था, 5:3 था। अब मैंने कुछ मात्रा निकाल ली, ये हमारी अब क्या है, बच गई मात्रा। तो भाई बची मात्रा में भी अनुपात कितना रहेगा, इतना ही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं। अब सवाल के हिसाब से कह रहे जितना निकालेंगे उतना ही मिलाना है, क्या कर रहे हैं, जितना निकालेंगे उतना ही मिलाना है। और कह रहा है कि उसके बाद आधा दूध और आधा पानी, मतलब जितना दूध है उतना पानी, आधा दूध आधा पानी का मतलब जितना दूध है उतना ही पानी, 1:1 का रेशियो, ठीक है। अब हम क्या मिलाएंगे भाई, कह रहा है पानी से प्रतिस्थापित कर रहे हैं, मिश्रण हटा रहे हैं और क्या डाल रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। अगर पानी मिला रहे हैं तो दूध की मात्रा पे परिवर्तन नहीं होगा, यह भी आपको हमेशा हर सवाल में पकड़ना है कि मिला क्या रहे हैं, और हमेशा आपको देखना है कि सेम क्या है। एक चीज मिलाएंगे दूसरी चीज की मात्रा को क्या रखेंगे, समान रखेंगे। तो भाई जो हमारी दूध की मात्रा ये समान है, तो पहले अगर 5 है तो बाद में भी कितना रहेगा, 5 रहेगा, लेकिन सवाल के हिसाब से कह रहा है जितना दूध है उतना ही पानी। भाई हमने कितना निकाला है, एक्स, तो मिलाएंगे भी कितना, एक्स मिलाएंगे, हमारे हिसाब से तो उतना ही मिलाएंगे ना जितना निकाल रहे हैं। सवाल के हिसाब से अभी रेशियो के हिसाब से देखो कितना मिला रहे हैं भाई, कितना मिला रहे, 3 जितना दूध उतना ही पानी, कितना मिला रहे हैं, 2 मिला रहे हैं, मतलब हमारे हिसाब से जो x का मान होना चाहिए कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अच्छा देखो कभी भी बोले कि जितना निकाल रहे हैं उतना ही मिला रहे हैं, तो ये जो अंत में वैल्यू आएगी ये हमेशा टोटल की ही वैल्यू आएगी भाई। जैसे अगर मान लो हमारे पास में 50 है, 10 निकाला और 10 मिला दिया तो भाई क्या है, फाइनली फिर से 50 बन जाएगा। 10 निकाला 10 मिला दिया तो मिलाने के बाद फिर से हमारा क्या बन जाएगा, कुल क्वांटिटी बन जाएगी। तो ये हमारा क्या भाई, मिलाने के बाद, तो मिलाने के बाद में फिर से हमारा क्या है, कुल क्वांटिटी बन जाएगी, पूरा बन जाएगा। हमने क्या किया है, 2 निकाला है और 2 डाला है, और हमारे पास में था कितना, 10, 10 में से 2 निकाला है 2 डाला है। तो हमेशा पूछा जाता है कि कितना पार्ट प्रतिस्थापित किया जाए, तो यही वाला तो प्रतिस्थापित कर रहे हैं, कितने पे, इतने पे। तो अगर इसको भिन्न में लिखना होता है तो हमेशा 2/10 लिखोगे, यह क्या आ जाएगा, 1/5।
प्रतिस्थापित कितना था कितना निकालना है, रेशियो में इतना था इतना निकालना, ठीक है। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1/5। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, उसी मेथड से कर रहे हैं जो मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया। आप देख रहे होंगे कि हर सवाल में हम क्या कर रहे हैं, निकाल लेने के बाद में हमारा रेशियो परिवर्तन नहीं हो रहा। अगर यही बात आप समझ जाओगे तो हर सवाल आपके लिए आसान है। आगे बढ़ते हैं, बाकी भाषा है, भाषा में आप देखो कैसे आप उसको कर सकते हो। अच्छा, अभी तक आपने देखे जितने भी सवाल देखे उन सब में हम लोग रेशियो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे, रेशियो को बराबर कर रहे थे। लेकिन कभी भी सवाल में अगर आपको परसेंटेज में वैल्यू मिले तो हमेशा याद रखना हम लोग एलिगेशन लगाते हैं। भाई मिक्सचर में हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशियो से भी हल कर सकते हैं और एलिगेशन से भी हल कर सकते हैं। तो जब हमारे पास में रेशियो रहता है तो हम लोग रेशियो लगाते हैं, लेकिन जब परसेंटेज वैल्यू मिलती है तो उस समय एलिगेशन लगा दो, ज्यादा आसानी हो जाएगा। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे, टाइम वेस्ट करोगे। देखो इसको कैसे हल करेंगे, कह रहा है एक विस्की से भरे पूर्ण जार में अल्कोहल 40% है, इस विस्की का एक भाग 19% अल्कोहल वाले अन्य विस्की के साथ प्रतिपूरित किया गया, प्रतिपूरित किया गया, प्रतिस्थापित किया गया, एक ही बात है। यहां पे भी रिप्लेस कर रहे हैं, जैसे हमने बात किया कि रेशियो नहीं बदलता, और हमने आपको स्टार्ट में भी बताया कि ना तो रेशियो बदलता है ना तो परसेंटेज वैल्यू बदलती है। मान लो हमारे पास में कोई क्वांटिटी कितना था, क्यू था, अगर इसमें 40% हमारा क्या है, अल्कोहल है, इसमें भाई हमारे पास में एक मिश्रण है उसमें अल्कोहल होगा, पानी होगा, अल्कोहल की मात्रा 40% है, उसी के हिसाब से वो गाढ़ा है। अब मान लो मैंने कुछ निकाल लिया, कुछ बच गया, तो अभी भी तो भाई उसमें उतना ही गाढ़ा रहेगा ना, मतलब परसेंटेज मात्रा अभी भी क्या रहेगी अल्कोहल की, उतनी ही रहेगी। अगर मैंने मान लो इसमें से कुछ क्वांटिटी निकाल ली तो अभी भी परसेंटेज मात्रा कितनी रहेगी, इतनी ही रहेगी। अब ये हमारा बचा हुआ है, कह रहा है जितना निकाला उतना ही और मिलाएंगे, भाई प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो जितना ही निकाला उतना और मिला देंगे, एक्स मिला देंगे। लेकिन कह रहा है जो मिला रहे हैं उसमें अल्कोहल की परसेंटेज मात्रा कितनी है, 19%, तो ये वाले में अल्कोहल की परसेंटेज मात्रा कितनी है, 19%, इसमें 40% था, इसमें 19% था। कह रहा है जब दोनों को मिला देते हैं तो जो प्रतिशत मात्रा है वो कितनी पाई गई है, 26% पाई गई, तो दोनों को मिला देने से क्या है, 26%। अब यहां से आप ध्यान से देखो क्या मिल जाएगा, इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी का अनुपात मिल जाएगा, 9, 7, 16 और 26 और 14, 40। आप देखो ये कितना हो जाएगा, 1, ये कितना हो जाएगा, 2। हमेशा क्या पकड़ना है, कितना प्रतिस्थापित कर रहे हैं, 2 प्रतिस्थापित कर रहे हैं, और हमें ये देखना होता है टोटल कितना है। तो भाई इन दोनों को जोड़ दोगे, देखो इन दोनों को जोड़ोगे क्या, एक्स एक्स कट जाएगा, क्या मिलेगा, क्यों मिलेगा, तो अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल मिल जाएगा कितना आ जाएगा, 3। हमेशा आपको क्या देखना है, प्रतिस्थापित और कुल, प्रतिस्थापित बटे कुल, यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। बोलो बात समझ में आ गई, आसानी से क्लियर हो गया। परसेंटेज रहेगा तो एलिगेशन लगाएंगे, रेशियो रहेगा तो रेशियो वाला तरीका लगा देंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, और सवाल करते हैं। अच्छा देखो, एग्जाम में एक और तरीके का सवाल आता है और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका तरीका भी बहुत आसान है, इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, आप वो भी यूज कर सकते हो, या इसके लिए एक बेसिक तरीका होता है वो भी आप यूज कर सकते हो, या ट्रिक का तरीका कह सकते हैं उसको हम लोग। क्या होता है कि अभी तक हम लोग जो भी रिप्लेसमेंट की बात कर रहे थे वो सिर्फ एक बार प्रतिस्थापित कर रहे थे। जैसे हमने क्या किया कि हमारे पास में 50 था, 10 निकाला, 10 मिला दिया। लेकिन क्या होता है कि ये प्रक्रिया को हम लोग दो बार कर सकते हैं, 50 था, 10 निकाला और फिर 10 डाल दिया। जब 10 डाल दिया तो फिर से हमारे पास में कितना हो गया, 50 हो गया। अब इसमें से फिर से 10 निकाल लिया, 10 डाल सकते हैं। फिर इसी तरीके से इसमें फिर से 50 हो जाएगा, 10 निकाल के फिर से 10 डाल सकते हैं, और ये प्रक्रिया को हम लोग कई बार दोहरा सकते हैं, तैरा सकते हैं, चौरा सकते हैं। इसमें हमेशा फॉर्मूला एक लगता है कि जैसे अगर हमें बची मात्रा निकालनी है, क्या निकालना है, बची मात्रा, जैसे जिस भी चीज की बची मात्रा की बात पूछे, दूध हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, भाई उसकी आरंभ में कुछ मात्रा हो सकती है, हो सकता है प्योर रहे, हो सकता है कुछ मात्रा रहे, परसेंटेज वैल्यू, जैसे प्योर 100 लीटर का दूध हो सकता है, या 80% दूध हो सकता है, या 50% दूध हो सकता है, या 40% भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्योर है तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, अगर 80% है तो भी यही, 40% है तो भी यही। बची हुई मात्रा बराबर होता है आरंभिक मात्रा, कुल मात्रा, सॉरी, 1 माइनस यहां पे क्या रहता है, या यहां पे आरंभिक मात्रा रहता है, आरंभिक, आरंभिक मात्रा, ठीक, यहां पे यह रहता है 1 माइनस a बाई b, जो a रहता है और पावर n, a रहता है आपका प्रतिस्थापित, जितना आप प्रतिस्थापित कर रहे हो, जितना आप बदल लो, जैसे 10 निकाल के 10 बदल लो तो ये है, और b आपका रहता है कुल, कितना टोटल है, ठीक है। और ये n क्या रहता है, जितनी बार आप दोहराते हो, n क्या है, टाइम्स, कितनी बार। लेकिन हम लोग ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, देखो फॉर्मूला यूज करोगे परेशान होगे, याद करोगे टेंशन लोगे, तरीका जो मैं बोलने जा रहा हूं बस उस तरीके को आप याद कर लो कि हम अगर इस तरीके का सवाल आएगा तो ये तरीका लगाएंगे। कौन सा तरीका लगाएंगे,
क्रमागत प्रतिशत बदलाव, क्रमागत प्रतिशत बदलाव, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, या आप ऐसे कह सकते हैं। ये हम लोग कहां कहां लगाते हैं, हर जगह पे लगाते हैं हम लोग, प्रॉफिट लॉस में लगाते हैं, परसेंटेज में लगाते हैं। प्रॉफिट लॉस में कहां पे सबसे ज्यादा यूज करते हैं, बेईमान दुकानदार के सवाल में, उसमें ज्यादा दिक्कत होती है उसमें लगाते हैं। इसी तरीके से हम लोग कंपाउंडर्स में भी ये तरीका लगाते हैं, क्योंकि वहां पे भी ज्यादा जहां जहां ज्यादा कैलकुलेशन होता है वहां वहां पे हम लोग क्रमागत प्रतिशत बदलाव का यूज करते हैं, अगर क्रमागत प्रतिशत बदलाव लग सकता है तो यहां पे भी क्रमागत प्रतिशत बदलाव होता है। क्रमागत प्रतिशत बदलाव का मतलब होता है भाई जो प्रोसेस हुआ उसी के ऊपर फिर से प्रोसेस करो। तो यहां पे वही तो हो रहा है ना, एक बार बदला फिर जो बदल गया है उस पर फिर से बदल रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, क्रमागत परिवर्तन हो गया। तो यहां पे भी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगता है। तरीका आपको सीखना है कि करना क्या होता है। हमेशा आप एक चीज देखो, आप रेशियो में खेलो, रेशियो निकालो, कुल और जो निकल रहा है उसका रेशियो निकाल लो, ठीक, कुल और निकल रहा है उसका रेशियो निकाल लो। और हमेशा जो हम लोग लगाते हैं प्रतिस्थापन वो किसमें निकालते हैं, कुल मात्रा, सॉरी आरंभिक मात्रा। भाई समझ में भी तो आना चाहिए कि किसमें हमको लगाना है, हमको परसेंटेज चेंज कैसे लगाना है। भाई दो तरीके की क्वांटिटी हो सकती है, आरंभ की मात्रा है, बची हुई मात्रा है, निकली हुई मात्रा है। तो हमको किसमें रेशियो में लगाना है, तो हमको लगाना है आरंभिक में और बची में। हमेशा बस ये बात याद रखना, अगर ये बात नहीं याद रखोगे तो भी गलत हो जाएगा। भाई हम यही तो अभी रेशियो में फॉर्मूला पढ़े थे, आरंभिक मात्रा और बची मात्रा में, तो इसी में हमको क्रमागत प्रतिशत बदलाव निकालना है। तो जैसे अगर मैं देखूं एक बर्तन में 90 लीटर दूध था और इसमें से 18 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया था, और कह रहा है इस प्रक्रिया को दो बार और, एक बार यहां पर हो चुका है और दो बार और का मतलब क्या हो गया, तीन। अगर यहां पर यह शब्द नहीं होता मतलब दो, अगर ये और लिख गया मतलब क्या है, ये और एक्स्ट्रा हो गया तो तीन हो गया, तीन बार इसको प्रोसेस किया गया। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, देखो सबसे पहले क्या करोगे, इसको रेशियो में बदल लो तुरंत। भाई बड़े नंबर्स पे खेलोगे दिक्कत होगा, अगर मैं रेशियो में बात करूं तो क्या हो जाएगा, आरंभ में मात्रा कितनी थी, पांच, तो कितना निकाला गया है, पांच से एक निकाला गया है तो बचेगा कितना, चार। मैंने क्या बताया, आरंभिक मात्रा और बची मात्रा। अब ये एक बार में हुआ, अगर मैं दो बार में करूंगा तो फिर से यही हो जाएगा, पांच से चार हो जाएगा। तीन तीसरी बार करूंगा तो फिर से क्या हो जाएगा, पांच से चार हो जाएगा। वही तरीका, एक बार है तो ए से बी, दो बार है तो ए स्क्वायर से बी स्क्वायर, तीन बार है तो ए क्यूब से बी क्यूब। बोलो बात समझ में आ गई, यही तरीका बस आपको याद रखना है, तो आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। जैसे अगर हमें मालूम चल गया कि पांच से चार एक बार में जा रहा है, तो तीन बार में कितना जाएगा, पांच के क्यूब से चार का क्यूब जाएगा। तो तीन बार में कितना जाएगा, पांच का क्यूब होता है 125 और चार का क्यूब होता है 64। अगर हमारे पास में आरंभ में इतनी मात्रा थी तो हमारे पास में बची हुई मात्रा कितनी है, इतनी, ये आरंभिक मात्रा है, ये बची हुई मात्रा। तो कह रहा है तीसरे प्रतिस्थापन के बाद दूध की बची हुई मात्रा बताओ, यही तो हमें बताना है। और हमें मान किसका दे रखा है, इसका दे रखा है, चलो निकाल लेते हैं। 125 का मान किसके बराबर है, 90 के बराबर, आरंभिक मात्रा देख रखी, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 90/125 के बराबर, और फिर 64 का मान कितना हो जाएगा, गुणे में 64 हो जाएगा। अब देखो 5 से काटो, ये हो जाएगा 18, यहां पे कितना आ गया, 25। अब देखो कैलकुलेशन करने का तरीका भी आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए कि आप कैसे जल्दी कैलकुलेट करो। 25 को हमेशा क्या लिखते हैं, 100/4, कैलकुलेशन आपका आसान हो जाता है, और ये 4 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अच्छा आप देखो सभी नंबर्स में जो आपका इकाई का अंक है, इसमें और इसमें तो सेम है, लेकिन इन दोनों में क्या है, अलग अलग है। तो सबसे पहले देख लो भाई, दो आ रहा है कि एक आ रहा है, और अगर मान लो दो आएगा तो हम अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे, भाई दोनों नंबर कितने हैं, बहुत दूर दूर है, लगभग मान लगा देंगे। तो अगर मैं बात करूं, देखो 4 × 16 और 6 × 8 = 48, अंत में हमारा इकाई का अंक क्या आएगा, 8 आएगा। अगर 8 की बात करें तो भाई हमारा किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, बस यही आंसर हो गया, पूरा कैलकुलेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई सभी को, आगे बढ़ा जाए, चलो एक और सवाल लेते हैं, देखते हैं। कह रहा है पेट्रोल के एक टैंक में 200 लीटर पेट्रोल भरा हुआ है, व्यापारी प्रत्येक बार 40 लीटर पेट्रोल बेचता है और टैंक में 40 लीटर केरोसिन भर देता है। भाई वही बात होगी ना, 40 लीटर बेच दिया मतलब 40 निकाल लिया और 40 फिर से डाल दिया, तो क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन कर रहे हैं। तो भाई ये था, ये हटा रहे हैं, कितना आ रहा है, 5 और 1, 5 में अगर 1 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब देख लो कितनी बार कर रहे हैं, यदि वह यही प्रक्रिया 4 बार दोहराता है, कितनी बार कर रहा है, 4 बार। अब यहां पे देखो और नहीं लगा है, और नहीं लगा मतलब कुल 4 बार करता है, एक बार पहले बताने में किया, 3 बार और किया होगा, टोटल 4 बार किया है। तो 4 बार किया है तो 5 की घात 4 से 4 की घात 4। कह रहा है प्रतिस्थापन के बाद मिश्रण में केरोसिन की मात्रा ज्ञात करो। हम हमेशा रेशियो लगाएंगे तो ये क्या होगा, आरंभिक मात्रा, किसकी, पेट्रोल की आरंभिक मात्रा। भाई स्टार्ट में किसका मान दे रखा है, पेट्रोल का,
हम किसमें देख रहे हैं प्रतिस्थापन, पेट्रोल में, पेट्रोल निकाल के केरोसिन मिला रहा है, पेट्रोल निकाल के केरोसिन मिला रहा है। तो पेट्रोल की आरंभिक मात्रा और पेट्रोल की अंतिम मात्रा, बची हुई मात्रा, शेष मात्रा। लेकिन आपको यह मालूम है ना भाई, हर बार उतना ही निकाल के उतने मिला रहे भाई, 200 में 40 निकाला 40 मिला दिया, फिर टोटल कितना हो गया 200, 40 निकाला 40 मिला दिया, फिर टोटल कितना हो गया 200, मतलब टोटल जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो जो स्टार्ट में वैल्यू है वही टोटल भी वैल्यू होगी। तो अगर मैं बात करूं 5 की घात 4 कितना होता है, 625 होता है, और 4 की घात 4 कितना होता है, 256 होता है। अब ये आरंभ में मात्रा जो है यही तो भाई अंत में भी मात्रा रहेगी, कुल मात्रा कितनी रहेगी, इतनी ही रहेगी। अब कुल मात्रा में ये हमारा पेट्रोल है, ये हमारा क्या है, पेट्रोल। तो भाई इसमें से इसको घटा दो, जो बची हुई मात्रा हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, केरोसिन की, 15 में से 6 गया 1, 11 में से 5 गया 6 और 5 में से 2 गया 3, 361 हमारा केरोसिन बचा हुआ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। लेकिन वैल्यू किसकी दे रखी, 625, 625 का मान 200 के बराबर है, 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 200/625 के बराबर, और 361 का मान कितना होगा, 361 से गुणा करो, फिर 25 से भाग दे दो, 25 आ गया, 25 से भाग दे दो 8 बार आ गया। फिर मैंने क्या बोला, 25 को क्या लिख दो, 100/4, और 4 कहां चला जाएगा, ऊपर, 4 × 32 और अंत में कितना आएगा, 2, यहां पे गड़बड़ कर दिया मैंने, 9 आएगा। देखो 15 में से 6 घटाया 9 आएगा, मैंने 1 लिख दिया, 6 में से 5 घटा दिया था, इसमें से इसको घटाना था, मैंने गलती कर दिया, पहला नंबर गलत लिख दिया था, दूसरा सही था, 369 आएगा। अब 4 × 32 दो नवा कितना आ जाएगा, 18, अंत में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। अभी जल्दबाजी की हो तो हमारा ए मिल जाता और हम ए टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, हो जाता है, कई बार हो जाता है, ध्यान नहीं देते तो हो जाता है, लेकिन आप लोग ध्यान दिया करो, हम भी ध्यान देते हैं जैसे सवाल करते समय, आप भी ध्यान दिया करो, जब आप प्रैक्टिस करते हो तभी आप अपनी गलतियां पकड़ पाते हो, और जब भी गलती होती है ना तो आपके दिमाग में स्ट्राइक कहीं ना कहीं कर सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। कह रहा है एक बर्तन में 1600 लीटर दूध भरा हुआ है और एक व्यक्ति बर्तन में 25% दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी भर देता है, क्या करता है, 25% दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी भर देता है। यदि यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराता है तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी। कह रहा है 25% मिश्रण निकालना, 25% 25% का मतलब क्या हो गया, 1/4। अगर कुल मिश्रण 4 है तो 1 निकालना है, कुल मिश्रण कितना है 4, तो 1 निकालना है, तो भाई प्रतिस्थापन कितने का करेगा, इतने का, 4 है 1 निकालेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और कह रहा है कि यदि वह यह प्रक्रिया दो बार और लगा दिया मतलब टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करो, हमको कह रहा है अंत में दूध की कितनी मात्रा बचेगी भाई, तो बताना है। तो भाई अगर 3 बार प्रक्रिया दोहराएगा तो क्या हो जाएगा, 4 के क्यूब से 3 का क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। भाई हमें इसकी वैल्यू दे रखी है और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी 64 का मान 1600 के बराबर, तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 1600/64 के बराबर हो जाएगा, और 27 का मान किसके बराबर, इसके बराबर, 16 × 64 और 4 से काट दोगे 25 आ जाएगा, 25 × 27। अच्छा यहां पे भी यूनिट डिजिट देखो, 7 × 5 करोगे तो अंत में 5 मिलेगा, तो ये 3 ऑप्शन है, संभव ही नहीं, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन। बोलो बात सभी को क्लियर होगी। अब देखिए एक और तरीके से हमारा सवाल बन सकता है, अभी तक जो भी हम लोगों ने सवाल किए वो दूध की मात्रा जैसे आरंभ में पूरी है, पेट्रोल की मात्रा हमारी आरंभ में क्या है, पूरी है, उसमें दूसरा कोई चीज नहीं मिला हुआ है। लेकिन अगर हमारा सवाल इस तरीके से बनता है कि जैसे हमारी आरंभ में मात्रा, जैसे इस सवाल में लिखा हुआ है एक बर्तन में एथेनॉल का 25% मिश्रण है, अब ये एथेनॉल पूरा नहीं है लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पीछे के सवाल में लगाया वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगेगा, चाहे पूरी मात्रा हो चाहे परसेंटेज मात्रा हो, दोनों में कॉन्सेप्ट हमें क्या यूज करना है, सेम यूज करना है, और कोई भी दिमाग में कंफ्यूजन नहीं लेना, हमें क्या लेना है, कॉन्सेप्ट सेम यूज करना है। कह रहा है एक बर्तन में एथेनॉल का 25% मिश्रण है, अगर मैं जैसे मान लूं कि कुल मात्रा मेरी कितनी है 100, तो एथेनॉल हमारा कितना है 25, ये हमारी क्या होगी, आरंभिक मात्रा होगी। अब क्या कह रहा है कि मिश्रण का कुछ भाग निकालकर पानी मिला दिया जाता है भाई प्रतिस्थापन कर, और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, एक बार और का मतलब क्या हो गया, इसको ऐड कर देना, पहले एक बार किया एक बार और, टोटल कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। 2 बार प्रतिस्थापन का मतलब क्या हो गया भाई, अगर हमारे आरंभ में मात्रा ए स्क्वायर थी तो अंत में हमारी मात्रा कितनी बचेगी, बी स्क्वायर बचेगी, तुरंत दिमाग में आना चाहिए बात। अब
ज्ञात करें कि मिश्रण का कितना भाग निकाला गया है। यदि अब एथेनॉल की मात्रा कितनी है, 16% है, हमसे पूछ रहा है कितना भाग निकाला गया, तो भाई जितना प्रतिस्थापन कर रहे हैं और जितना कुल है वही हमको बताना है। अच्छा, आरंभ में मात्रा हमारी 100 है, तो अगर हम बार बार प्रतिस्थापन करेंगे तो कुल मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं, अगर पहले 100 है तो अभी भी हमारे कुल मात्रा कितनी आएगी, 100 ही आएगी। यहां तक बात सभी को क्लियर हो गया। लेकिन अगर इस 100 में हम पूछे कि अल्कोहल कितना है, सॉरी एथेनॉल कितना बचा हुआ है, तो हमारा कितना है 16%, मतलब ये जो बची हुई मात्रा है ये कितनी है, 16 है। ये हमारी कौन सी मात्रा होगी, बची मात्रा होगी। हमें आरंभिक मात्रा भी मालूम है और हमें क्या है, बची मात्रा भी मालूम है, लेकिन हमें क्या देखना है, ए स्क्वायर से बी स्क्वायर बनना चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये क्या है हमारा, 5 का स्क्वायर है और ये हमारा क्या है, 4 का स्क्वायर है। कहने का मतलब अगर दो बार प्रतिस्थापन में 5 के स्क्वायर से 4 का स्क्वायर बनना है, तो एक बार जब पहली बार प्रतिस्थापित किया गया होगा तो क्या बनेगा, 5 से 4 बनेगा। कहने का मतलब अगर आरंभिक मात्रा 5 है तो अंतिम मात्रा क्या है, 4। मैंने क्या बोला था, जो हमारा एल्कोहल के लिए रहेगा, मान लो अगर कुल मात्रा भी दी हुई है, प्योर दूध है, प्योर पानी है, तो भी हमें यही देखना है। जैसे इस सवाल में हमें क्या देखना है कि आरंभिक मात्रा हमारा 25% है, 25% हमारा ये है, तो अगर हम ये एल्कोहल के लिए लगा रहे हैं, एथेनॉल के लिए लगा रहे हैं, तो यही हमारा टोटल के लिए भी वर्क करेगा। एल्कोहल हमारा 5 से 4 बच रहा है, तो अगर हम कुल की भी बात करेंगे, भाई अभी मैंने आपको सबसे स्टार्ट में क्या बताया कि अगर हम मिश्रण निकालते हैं तो उसी रेशियो में निकलता है ना, जैसे अगर हमने 50 लीटर निकाला, आधा निकाला, तो भाई दूध और पानी था, अगर आधा मिश्रण निकाला है तो दूध भी आधा निकलेगा, पानी भी आधा निकलेगा। तो अगर हमारा एल्कोहल 5 से 4 हो रहा है, तो अगर हम कुल मिश्रण की बात करेंगे तो वो भी 5 से 4 हो रहा होगा, उसमें भी क्या है, सेमी परिवर्तन हो रहा होगा। तो अगर 5 से 4 हो रहा है तो भाई कितना निकालना है, 1 निकालना है, और कितने पे निकालना है, 5 पे, 1 प्रतिस्थापन कर रहे हैं और टोटल कितना है, 5, तो हमारा जो प्रतिस्थापन हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो टॉपिक है प्रतिस्थापन वाला, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजिंग रहता है। आपको क्या करना है कि इस टॉपिक को 3 से 4 बार पढ़ लो, या यही जो सवाल मैंने करा है, इन सवालों को 3 से 4 बार खुद से लगा लो, वीडियो को 2 से 3 बार देख लो अगर जरूरत लगती है तो, अगर जरूरत नहीं लगती है तो 1 बार इनफ है, अगर जरूरत लगती है तो 1-2 बार और देख लो, लेकिन सवाल को अपने से 3-4 बार लगा लो, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो तरीका है, ये आपके दिमाग में फीड हो जाए, याद हो जाए, और दोबारा अगर इस तरीके का कोई सवाल मिले तो आपको बस तुरंत तरीका याद आए कि हमें कैलकुलेशन कैसे करना है, और तुरंत आपको क्या है, आंसर निकाल के रख देना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, और सभी लोग जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देंगे, और भी साथी हैं तो उनको शेयर करेंगे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे।